श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी, जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है, जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं। समाज सो हसरी सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहू, सो सुभ कहत सुनत हर शही फूल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। राम तिलक हित जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। समय सुहावनी पावनी भूरी,
मंगलमय ऋतुराज ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु बिमल बिबे